ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं। वी हैव टू गेट दिस स्टॉप। इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। करेगा कॉल टाइगर। भरोसा भी है, हिम्मत भी और ताकत और पागलपन हद से ज्यादा। क्या जोया ने बचाई टाइगर की जान? कौन सी लोकेशन को दिखाया गया टाइगर 3 में फेक पाकिस्तान? किसका म्यूजिक होगा टाइगर 3 में? हेलो एवरीवन, मैं जैसे स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉली डांस स्टूडियो में। भले ही जोया डाले की कैटरीना कैफ है आईएसआई की एजेंट, लेकिन उन्होंने एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है दोनों में ही सलमान की जान बचाई। आखिर बॉलीवुड की हीरोइंस भी एक्शन हीरो से आजकल कम नहीं है, उतना ही जज्बा उतना ही पावर हीरोइंस में दिखाया जाता है। अब हम सोचेंगे कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं, कैटरीना कुछ करने वाली है, तो आइए जानते हैं। दरअसल टाइगर 3 की शूटिंग जोरों शोरों से चल रही है। टाइगर 3 की पूरी क्रू अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन काफी एक्शन सीन्स करती दिख रही है। इसकी कुछ झलक सलमान के फैन क्लब ने सोशल मीडिया पर भी डाली थी। जी हाँ, सलमान की कार चेजिंग सीक्वेंस की खबरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी है। बताया जा रहा है कि सलमान इस मूवी की शूटिंग रशिया में कर रहे थे जब उनके कुछ फैंस ने ये सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जी हाँ, टाइगर 3 में सलमान का एक स्पेशल लुक जिसमें वो बहुत बड़ी बियर्ड में दिख रहे हैं वो भी लीक हो गया था। ये अवतार बताया जा रहा है कि उनके एक इम्पोर्टेंट सीन का भी है। ऐसे में क्या मेकर्स ने दिया है सिर्फ सलमान खान को एक्शन का मौका? भले ही कार चेजिंग सीक्वेंस में सलमान धूम मचा रहे हो, लेकिन मूवी में कैटरीना को भी ये धूम मचाने का मौका दिया गया है। तो जाएंगे तो चलिए जानते हैं सर। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो एक इम्पोर्टेंट सीन में सलमान को बचाती नजर आएंगी कैटरीना। सोर्सेस की माने तो सलमान खुद कैटरीना के एक्शन डायरेक्टर बने हैं टाइगर 3 के लिए। जी हाँ, कैटरीना मूवी में डबल फ्लिप से लेकर मार्शल आर्ट्स तक करती दिखाई जाएंगी। और इन सब में कैमरा के पीछे भले ही उन्हें सलमान ने डायरेक्ट किया हो, लेकिन मूवी में जोया ही टाइगर की जान बचाएंगी। आगे आकर ये स्पेशल सीन पोस्ट इंटरवल ही दर्शकों को देखने को मिलेगा। इस सीन को स्पेशली रशिया में जाके शूट किया गया है। और अब हम भी आपके जैसे सलमान और कैटरीना को एक साथ देखने के लिए मानिए मरे जा रहे हैं। हम होप करते हैं कि मनीष शर्मा सलमान और कैटरीना को बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट कर ये मूवी हम तक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या कैटरीना स्पेशल सीन में सलमान को इमरान हाशमी से बचा पाएंगी या फिर होगा कोई और विलेन? कमेंट करके हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टाइगर 3 की शूटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, ऐसे में मूवी में कई लोकेशंस दिखाई गई हैं, तो इसमें से कौन सी लोकेशन दिखाई गई एज पाकिस्तान, आइए जानते हैं। दरअसल मूवी में तुर्की के ही कुछ लोकेशंस को पाकिस्तान दिखाया गया है। दरअसल मेकर्स पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे, ये उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है या पाकिस्तान को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मेकर्स थोड़ी कॉस्ट कटिंग के बारे में सोच रहे थे, जिसके बाद उन्होंने तुर्की के कुछ छोटे शहरों को पाकिस्तान करा कर शूटिंग कर दी है। अब ये सब कहने की ही बातें हैं देखा जाए तो। दरअसल असली खबर ये है कि लूलिया वेंटोर ऑलरेडी इस्तांबुल में मौजूद है, इसीलिए सलमान कुछ और वक्त नहीं बिताना चाहते थे कहीं और। इस वजह से मूवी में फेक पाकिस्तान इस्तांबुल के आसपास वाली जगह को भी दिखाया गया। हालांकि सलमान ने कुछ दिन पहले बिग बॉस के एपिसोड जिसमें शहनाज गिल गई थी उसमें हिंट ड्रॉप की थी कि वो सिंगर है, लेकिन उधर तुर्की में अपना शूट बढ़ाना और लूलिया के साथ टाइम स्पेंड करना तो कुछ और ही बता रहा है। अब असलियत में क्या सलमान और लूलिया सच में अलग अलग हो गए हैं या सिर्फ ये मीडिया को बस एक धोखा दिया जा रहा है, ये आप ही तय कीजिए। हमने अपने सारे फैक्ट्स आपके सामने आके रख दिए हैं। टाइगर 3 में म्यूजिक होगा मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम का। जी हाँ, प्रीतम ने ऑलरेडी मूवी का म्यूजिक सेट कर लिया है। इनफैक्ट खबरें आ रही हैं केके ने अपना आखिरी सॉन्ग भी प्रीतम के बैकग्राउंड म्यूजिक में ही रिकॉर्ड कर लिया था। प्रीतम ने सलमान के हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है, और इतना ही नहीं वो टाइगर 3 के लिए बेहतरीन बैकग्राउंड साउंड की भी और स्कोर की तैयारी कर चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या प्रीतम ने किया होगा ओरिजिनल सॉन्ग कंपोज, और क्या ये गाना ले जा पाएगा टाइगर 3 को उसी लेवल पर जहां टाइगर जिंदा है कि गाने को ले पाए थे वो? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।